हिंदू और हिंदुत्व होता क्या है। मैं दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी वेद हैं, जितने पुराण हैं और जितने भी धर्मशास्त्र हैं, उसमें लिखा हुआ दिखा दो हिंदू शब्द। कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। जब हिंदू शब्द लिखा ही नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारा धर्म क्या है। जो लोग अपने धर्म को ही नहीं जानते, वो धर्म को चलाएंगे क्या? धर्म की समझ ही नहीं है इन लोगों को। इन्हें ऐसा लगता है कि पाखंड अंधविश्वास को ही धर्म कहा जाता है। जहाँ तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार अहीर महार लुहार हजार तरह की जातियाँ होती हों, मनुष्य को मनुष्य से जुदा करके देखा जाता हो, जहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव घरों में किया जाता हो, वह धर्म हो ही नहीं सकता। वो पाखंड है और अंधविश्वास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और विश्वगुरु तो बिल्कुल ही बन जाएगा जब आशाराम बापू जैसे गुरु हों, है ना, और जो है हनीप्रीत के पापा टाइप गुरु हों, और इतने सारे गुरु जो भारत की जेलों में पड़े हों, तो फिर वो देश विश्वगुरु नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? जब तक रहेगा समोसे में आलू और बिहार में रहेगा लालू, उसी तरह से जब तक ईवीएम इनके पास रहेगी तब तक बीजेपी ही शासन करेगी। खेला होता रहेगा। गुजरात इलेक्शन सर पे और इस तरीके से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सतीश बौद्ध जी। सर, लगातार जो उठा पटक सियासत में देखी जा रही है मुंबई की, क्या लगता है अब क्या होने वाला है? उद्धव सरकार की जो पाँव है वो डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना ले जाएगी। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अगर आप झांक के देखें तो अनेकों प्रकार से आप पाएंगे कि बीजेपी ने कई बार कई राज्यों में चलती हुई सरकारों को गिराया है और फिर अपनी सरकार को बनाया है। ये कोई नया नहीं है। चाहे उदाहरण आप ले लीजिएगा मध्य प्रदेश का, चाहे उदाहरण ले लीजिएगा कर्नाटका का, चाहे उदाहरण आप बिहार का ले लीजिएगा। चलती हुई सरकारों को गिराने के लिए MLA की खरीद फरोख्त करना तो बीजेपी के दाएं हाथ का खेल है। और ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसके पीछे भी RSS और बीजेपी का ही षड्यंत्र है, और हॉर्स ट्रेडिंग इसको कहते हैं, एंड इट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। बस दुख का विषय यह है कि इनका ज़मीर, ये जो विधायक हैं, इनका ज़मीर इसलिए नहीं जागता कि हम समाज के लिए काम करें। इनका ज़मीर इसलिए जागता है कि इनको दौलत कितनी मिल रही है। तो करोड़ों रुपए में इनको ख़रीदा और बेचा जाता है। तो कई बार तो मुझे ऐसे लगने लगता है कि इन विधायकों की जैसे कहीं ना कहीं मंडी लगती है, जहां ऊंची-ऊंची बोली पर बीजेपी जैसे ख़रीदार आकर उनको ख़रीद लेते हैं। तो वो मंडी कहां लगती है, वो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं अमित शाह, वो बहुत बेहतर समझते हैं कि कहां और कितनी बोली किस विधायक के लिए लगाई जाए। एंड दिस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। सर, आप कह रहे हैं कि खरीद फरोख हो रही है विधायकों की, दूसरी तरफ कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, जो नाना पाटेकर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा है भाई, लग रहा है जितने भी बागी विधायक हैं उनको नशे के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती जो है उनसे ये काम कराया जा रहा है। मतलब स्वेच्छा से नहीं हो रहा, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। मतलब इज़ इट पॉसिबल कि जो लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको मारा पीटा जाए? ये लोकतंत्र है, भारत स्वतंत्र है, और इस स्वतंत्रता के दायरे में रहते हुए विधायकों को इस तरह से मारा पीटा जाए, ये इतना आसान नहीं है। नहीं, कहा जा रहा है कि डरा धमका के जो है समर्थन लिया जा रहा है उनका। देखिए, मैं इस बात की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, पर लॉजिक्स के ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगा कि स्वतंत्र भारत में शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज को तो दबाया जा सकता है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा सकते हैं, लेकिन इन विधायकों के ऊपर ऐसा हो सकता है वो थोड़ा सा अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है। बस मैं ये समझ पाता हूँ कि जिस तरह से कर्नाटक में सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त की गई थी, जिस तरह से बिहार में सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त की गई थी, मध्य प्रदेश में सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त की गई थी, तो उसी तरह का पैटर्न यहाँ भी है। आज नहीं तो कल पता लग ही जाएगा। क्या लगता है, शिवसेना गिर जाएगी? इतना आसान है उद्धव सरकार के पैर वहां से जमावड़े जो है उनका, शिवसेना कहते हैं कि महाराष्ट्र से शिवसेना को हटाना नामुमकिन है। क्या लगता है, बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? नहीं, अगर शिवसेना को वहां से हटाना इतना नामुमकिन होता तो सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना होती वहां पर, तो सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना वहां पर नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि
जो विधायक हैं 40 की बहुत बड़ी संख्या होती है, ये 40 विधायक अगर छोड़ के गए हैं तो दल बदल कानून के हिसाब से वो अपना गुट बना सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली सरकार गिर जाएगी। तो हवा में सपने देखने की कोई आवश्यकता नहीं, जो सत्य सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। सर, संविधान की बात की जाती है, कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जो डिप्टी स्पीकर थे कि किसी भी तरीके की वो कार्यवाही नहीं कर सकते। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही उन्होंने नहीं की, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश दे दिया कि किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी है। विदाउट जजमेंट जो है जजमेंट आ गया। हाँ, ये तो चैलेंज है। और 14 दिन का और उन्हें मौका मिल गया अपनी जो है योग्यता साबित करने के लिए। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में चाहे वो हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये लोग बीजेपी और आरएसएस के जैसे पपेट बन करके रह गए हैं। जैसे ऊपर से आदेश आते हैं उसी हिसाब से वो जजमेंट कर रहे हैं। तो भारत में न्याय व्यवस्था ऑलमोस्ट ध्वस्त हो चुकी है। सच पूछे तो मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ, भारत में न्याय होता नहीं है, न्याय खरीदा और बेचा जाता है। उद्धव ठाकरे जो हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोक लिया, कहा कि अभी इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है शरद पवार के दिमाग में कुछ चल रहा है? शरद पवार एक गूढ़ राजनीतिज्ञ हैं, हो सकता है उनके संबंध उन बागी विधायकों से हों और उन्हें शायद ये उम्मीद हो कि बागी विधायक फिर से वापस लौट आएंगे या एक ऐसी संख्या का निर्माण कर सके जो जादू आंकड़े को पार करती हो, कुछ ऐसा सोच रहे होंगे। तो एक राजनीतिज्ञ होने के नाते वो उनका ये धर्म है ये सोचना कि किसी तरह सरकार को बचाया जाए। एक बेहद अहम सवाल जो उठकर आ रहा है कि लगातार जो है अग्निपथ योजना को लेकर देश में अलग अलग हिस्सों में जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, अचानक से ये बंबई का मुद्दा उठकर आ गया। क्या लग रहा है उस मुद्दे को दबाने के लिए मुद्दे पे मुद्दे दिए जा रहे हैं? ऐसा ही है, इस देश में एक मुद्दे को दबाने मतलब मेन तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं देश में उनको छिपाने के लिए कुछ और मुद्दे साबित कर दिए जाते हैं, ले आए जाते हैं या फिर उन्हें उछाला जाता है। तो जिसका परिणाम ये होता है कि जो मुद्दा चल रहा होता है उसे कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है ताकि उसके संबंध में ज़्यादा बवाल ना हो। जैसे अभी अग्निवीर वाला जो मामला चल रहा है वो 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी के बाद वो बेरोजगार हो जाने वाले हैं। मुझे खतरा इस बात का है, मतलब एज ए मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई जनरली थिंक कि जो वहाँ से सीख करके आएंगे, सेना की ट्रेनिंग लेकर के आएंगे, मतलब वो हथियार चलाना सीख करके आएंगे, मोटा मोटी बात यही है, हथियार चलाना सीख कर आएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऑलरेडी हथियार चलाना जानता है उसे कोई आतंकवादी संगठन कैप्चर कर ले बहुत अच्छी अमाउंट दे करके, तो उन्हें तो रेडीमेड आतंकवादी मिल जाएंगे ना। तो और बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं कि हम उनको जो अपने यहाँ चौकीदार रख लेंगे, गार्ड की नौकरी रख लेंगे, विजय वर्गीय जी, कैलाश वर्गीय जी कह रहे। तो दीज काइंड ऑफ स्टेट्समेंट्स आर बीइंग स्पोकन बाय दीज काइंड ऑफ रबिश पीपल, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री। अभी आर्थिक क्राइसिस से गुजर रहा है इंडिया, भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, भारत सामाजिक रूप से तितर बितर हो चुका है, भारत धार्मिक रूप से जो है धर्मांधता या फिर धार्मिक पशुपेश से गुजर रहा है, एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि भारत को बचाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर बना रहे हैं सर, इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि उसे जो है विश्व गुरु कह रहे हैं, और विश्व गुरु तो बिल्कुल ही बन जाएगा जब आशाराम बापू जैसे गुरु हों, है ना, और जो है हनीप्रीत के पापा टाइप गुरु हों, और इतने सारे गुरु जो भारत की जेलों में पड़े हों। हाँ। तो फिर वो देश विश्व गुरु नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? एक शब्द हमें बहुत सुनने को मिलता है इस बीजेपी की सरकार में, हिंदुत्व का। और अब एकनाथ शिंदे ने बोला है कि हम शिवसेना से अलग नहीं है, हमने शिवसेना छोड़ी नहीं है, हम बस हिंदुत्व को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। क्या चल के आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ जिस व्यवस्था के ये लोग हिस्सा हैं उन्हें खुद नहीं पता हिंदू और हिंदुत्व होता क्या है। मैं दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी वेद हैं, जितने पुराण हैं और जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें लिखा हुआ दिखा दो हिंदू शब्द, कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। जब हिंदू शब्द लिखा ही नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारा धर्म क्या है। जो लोग अपने धर्म को ही नहीं जानते वो धर्म को चलाएंगे क्या? धर्म की समझ ही नहीं है इन लोगों को। इन्हें ऐसा लगता है कि पाखंड अंधविश्वास को ही धर्म कहा जाता है, त्यौहार मनाने को धर्म कहा जाता है, या फिर पूजा पद्धति का इस्तेमाल करने को धर्म कहा जाता है। ये मूर्खता है। धर्म होता है जहाँ मानव मानव एक समान हो, जहाँ लिंग भेद खत्म हो जाते हों, जहाँ जाति भेद खत्म हो जाते हों, जहाँ भाषा भेद खत्म हो जाते हों, जहाँ क्षेत्रवाद खत्म हो जाता हो, जो मनुष्य की उस मस्तिष्क की पराकाष्ठा
आस्था पर पहुंच जाता हो, जहां मनुष्य का मनुष्य से संबंध स्थापित होता हो, समानता के भाव उत्पन्न होते हों, मैत्री की बात होती हो, बंधुत्वता की बात होती हो, वहां धर्म हो सकता है। जहां तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार अहीर महार लुहार हजार तरह की जातियाँ होती हों, मनुष्य को मनुष्य से जुदा करके देखा जाता हो, जहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव घरों में किया जाता हो, वह धर्म हो ही नहीं सकता। वो पाखंड है और अंधविश्वास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक नाथ शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं कि मैं जो है बहुमत में बैठा हूँ, 42 विधायक हैं उनके पास, 38 जो कि शिवसैनी हैं। क्या लगता है अब क्या देखने को मिलेगा? 12 तारीख तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टाल दिया है, क्या हो सकता है महाराष्ट्र में? सी, अगर उनके पास जादुई आंकड़ा है और वो खरीदे गए विधायक हैं तो डेफिनेटली वो पावर में आ सकते हैं, क्योंकि ये हमने अपनी आंखों से देखा है होते हुए इस देश में। जब अच्छी खासी सरकार चल रही थी आरजेडी के नेतृत्व में बिहार में, तो उसे पलट दिया जा सकता है। जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही थी तो उसके साथ उल्टा पलटी की जा सकती है, और कर्नाटक में येदियुरप्पा को वापस लाया जा सकता है, तो यहाँ भी एकनाथ शिंदे को वापस लाया जा सकता है। 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और तीनों जगह वापस बीजेपी आई है, जिसमें से सबसे बड़ी सीट थी आजमगढ़ की, जो सपा का गढ़ माना जाता था, वहाँ की सीट हाथ से जाना कैसा लगा? दुख की बात है। मैं यहाँ दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करूँगा बीजेपी की यहाँ पर, क्योंकि उनके कार्यकर्ता ज़मीन पर काम करते हैं। बहुजन समाज के लोग नहीं काम कर रहे तो दैट इज़ देयर फुलिशनेस। जो ज़मीन पर काम करेगा उसे फल मिलेगा, पहली। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि EVM माता उनके हाथ में, तो उनके हाथ में शक्ति है, जो बटन दबाते हैं वो उन्हीं के पक्ष में जाएगा। तो जब तक EVM रहेगा तब तक जो है बीजेपी रहेगी। ये बिल्कुल इसी तरह का है, हाँ आरोप ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक रहेगा समोसे में आलू और बिहार में रहेगा लालू, उसी तरह से जब तक EVM इनके पास रहेगी तब तक बीजेपी ही शासन करेगी। खेला होता रहेगा। गुजरात इलेक्शन सर पे है और इस तरीके से बंबई में सियासत का पलट जाना, क्या लगता है किस तरीके की प्लानिंग चल रही है? असल में इतना बड़ा जो रोला रुक्का हो रहा है ना, असल में एक मुद्दा और छिपाया जा रहा है कि 2002 में जो दंगे हुए थे ना, और पूरा इल्जाम लगा था नरेंद्र मोदी के ऊपर, आपको उसको एकदम क्लियर साबित कर दिया गया है कि क्लीन चिट मिल गई और कोई भी उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस पूरे मुद्दे, उसके मुद्दे को उछाला ना जा सके। तो इसलिए जो है महाराष्ट्र वाला भी मामला खड़ा कर दिया है और इधर अग्निवीर वाला खड़ा कर दिया है। मामले की बात की है 2002 के मामले के, उसी मामले को लेकर तीस्ता शीतल वार्ड की भी जो है गिरफ्तारी की गई। मैं तो ये कह रहा हूँ, तीस्ता को अगर जो है बंदी बना लिया गया है तो उन्होंने जो किया, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एफिडेविट बनाए थे उन वो लोग जो पीड़ित थे उनका कोर्ट में वो करवाया था कि जो है इनके साथ अत्याचार हो तो इन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो जो कुछ लिखा होगा उसमें, तो जो कुछ लिखा अन्याय अत्याचार प्रताड़ना जो उसमें लिखी, तो वो जो व्यक्ति था ना जो प्रताड़ित था वो वहाँ जाकर मुकर गया जी। वो वहाँ जाके कह रहा है नहीं जी मैंने तो 5 लोगों को जलते हुए नहीं देखा, नहीं जी मेरा तो बलात्कार नहीं हुआ, वो वहाँ जा कर के पलट गया। अब ये वाली बात रईस खान कह रहा है, रईस खान जो तीस्ता शीतलवाड़ का बड़ा करीबी हुआ करता था, अब ये वाली बात वो कह रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि तीस्ता शीतलवाड़ को ये काम करने के लिए कांग्रेस या अन्य दलों ने पैसे दिए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब 2002 में दंगे हुए थे, आज तेरा ज़मीर जाग गया और तुझे पता था 2002 में दंगे हो रहे हैं, तीसरा शीतलवाड़ ये कर रही है और उसने पैसे खाए हैं, 20 साल है ना, तो इतने साल तक तेरा जमीर नहीं जागा। जब तेरे को पता था कि वो भ्रष्टाचारी है तो यार तू उसके खिलाफ मुकदमा डालता या आवाज़ उठाता, लेकिन आज तेरा जमीर जाग गया। जमीर इसलिए जाग गया क्योंकि तूने जो है गुलाबी रंग के नोट शरीर के जितने भी छेद थे उसमें से अंदर डाल लिए हैं और एकदम तेरा जो है जमीर जागा और तूने सोचा गुरु ये तो तीसरा शीतलवाड़ तो बड़ी जो है राक्षसी निकली, इसने तो जो है पूरे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का काम किया है। अब वो TV पर आकर के बड़ा पाक साफ बन रहा है, वो गद्दार है एक नंबर का मुस्लिम समाज का। अगर ऐसे गद्दार पैदा होते रहेंगे ना तो हमारा समाज जो बहुजन समाज हम कह रहे हैं वो कभी बन ही नहीं सकता। जो चंद टुकड़ों पे बिक जाते हैं ये बिकाऊ लोग हैं। अगर तेरा ज़मीर इतना अच्छा था तो 20 साल क्यों लगे तेरा ज़मीर जागने में, तभी जाग जाता, अपनी बात रखता, दुनिया के सामने लेकर के आता। लेकिन आज तो ये तीसरा शीतलवाड़ बुरी लग रही है, लेकिन तब जब तू उसके टुकड़ों पर पल रहा था तब वो बुरी नहीं थी। बाइंड अप करेंगे, बस एक आखिरी मुद्दा उठाएंगे सर। लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है बीजेपी पे कि ED बीजेपी के हाथ में है, EVM बीजेपी के हाथ में, और अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के हाथ में। क्या लगता है कितना सही है ये तर्क?
मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी, क्योंकि जो देखने को मिल रहा है वो यही हो रहा है। अब आप देखो ना, अयोध्या में मंदिर बनेगा, खुदाई में बुद्ध के वो अवशेष मिले हैं, तो वो क्यों बनेगा, है ना। अब जो है ये वाला जो मंदिर था बनारस में, जो मस्जिद था उसे मंदिर साबित कर रहे हैं, वो जो फवारा निकल आया उसे जो है वो कह रहे हैं शिवलिंग है, काशी विश्वनाथ वो कह रहे हैं तो शिवलिंग है, मतलब क्या मजाक चल रहा है। विश्वनाथ काशी विश्वनाथ के परिसर में था, ज्ञान वापी करके, तो ठीक है ना यार। मतलब जब इस तरह की हरकतें हो रही हैं और चुनाव आयोग उनके पक्ष में जा रहा है, मतलब ईवीएम को लेकर मैं बात करूं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके संबंध में लेकर के बड़ा दुख होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम फॉर ईवीएम इज नॉट मोर देन 8 सेकेंड, मतलब बटन दबाने से लेकर बत्ती जलने और सीटी बजने तक 8 सेकंड में वोट डल जाना चाहिए, लेकिन वोट डलता 16 सेकंड में, 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, लेस से अगर 16 सेकंड में एक वोट पड़ रहा है तो जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 50% वोट खत्म, है ना। एक टाइम फ्रेम में होता है ना वो, तो और टाइम फ्रेम में जब होती है वोटिंग, तो अगर मैंने 8 सेकंड के बजाय 16 सेकंड लगाए तो 50% तो पोलिंग वैसे ही मैंने डाउन कर दी। और उसके अलावा इनकी ईवीएम बड़ी सेंसिटिव है, अच्छा। कभी उसे गर्मी लगने लगती है, कभी सर्दी लगने लगती है, कभी वो तेज़ चलने लगती है, कभी स्लो चलने लगती है, और उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। मतलब किसी मशीन में एक्स नंबर ऑफ वोट्स स्टोर होते हैं, किसी में X+2 स्टोर होते हैं, किसी में Y स्टोर होते हैं, मतलब देर इज़ नॉट ए स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब एक मशीन में अगर एक्स वोट्स स्टोर हो रहे हैं तो 1000 मशीन हो तो सब में XX होनी चाहिए ना, तो स्टैंडर्डाइजेशन इनके यहाँ नहीं है, क्योंकि ये मशीनों को जो परिसीमन, समझते हो, परिसीमन जहाँ जो मतदाता रहता है वो क्षेत्र जहाँ से लोग वोट करते हैं, है ना, तो वहाँ जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, संप्रदाय के आधार पर ये डेटा तैयार करते हैं और उसके हिसाब से ईवीएम मशीनों को डिज़ाइन करके भेजते हैं लोग पहले, इट इज़ ऑल प्री प्लान्ड, क्योंकि BL और CL इन्हीं के हाथ में तो है, सरकारी कंपनियाँ हैं वही बनाती हैं, और जैसे वो कहेंगे वैसे इनके आदेश का पालन होगा।